नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। भाजपा और केंद्र सरकार इन दिनों आलोचनाओं के भंवर में घिरे हुए हैं। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, नहीं लगता कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद से बाजार में भाजपा विरोधी लहर चल रही है? देखिए, इसको ठीक तौर पे लहर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आक्रोश है, विरोध है। और ये अब चुनाव चूंकि नजदीक है, हम लोग 2019 के जैसे जैसे करीब आएंगे, ऐसे मुद्दे ढूंढे जाएंगे और उनको बड़ा किया जाएगा जो मोदी सरकार पर प्रहार करें, और होंगे भी, क्योंकि जो महाविजय मोदी सरकार ने प्राप्त की वो सभी की आंख की किरकिरी बनी, और जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो छटपटाएंगे, और छटपटाते वक्त उनको जनता की कोई भी ऐसी नब्ज मिलेगी जो दुखती रग है, उस पर वो हाथ रखेंगे और उसको बड़ा किया जाएगा। ये बात सही है कि नोटबंदी को लेकर भी एक बहुत विरोध का, भय का माहौल था, लगातार आशंका कुशंका थी, और उसको बढ़ावा इस बात ने भी दिया है कि सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। सरकार ने नोटबंदी के बाद जिस तरीके से लगातार अपने बयान बदले, तथ्य बदले, आंकड़े बदले, आज तक भी नोटबंदी के सारे आंकड़े खुद वित्त मंत्री भी पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनमें विरोधाभास है कि आखिर कितना पैसा चलन में था, कितना पैसा जमा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये पूरे आंकड़े नहीं आए। तो इससे सरकार नोटबंदी को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं घिरी हुई तो नजर आती है। दूसरा, जीएसटी, ये बात सही है कि कांग्रेस के समय से बात हो रही थी, लागू करना चाह रहे थे, और नोटबंदी और जीएसटी को आर्थिक सुधार के बड़े कदमों के रूप में मोदी सरकार ने पेश किया था, लेकिन दोनों ही मामलों में सबसे बड़ी दिक्कत हुई है उसको व्यवहार रूप में अमल करने की। यहां पर लोगों ने इरादों को लेकर कोई भी शंका कुशंका जाहिर नहीं की। इरादे नोटबंदी के भी आपके ठीक हो सकते हैं, जीएसटी के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था केवल इरादों से नहीं चलती, उसके सही क्रियान्वयन से चलती है। और दिक्कत जीएसटी को लेकर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, जीएसटी के, और भारत इतना बड़ा देश है, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उसमें किसी भी इतने महापरिवर्तन को आसान नहीं है लागू करना, यह दिक्कत समझी जा सकती है, लेकिन फिर उसकी तैयारी आपके पास होनी थी। एक किसी छोटे सेक्टर में, किसी छोटे उद्योग पर किसी तरीके से लगाकर, किसी राज्य में लगाकर कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए था जिसमें पायलट होता, टेस्टिंग होती, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाता, या फिर जितनी दिक्कतें आ सकती हैं उनका पूर्वानुमान लगाना ही तो एक नेता का काम होता है कि क्या दिक्कत आ सकती है। इतनी बड़ी उनके पास नौकरशाही की मशीनरी है, वो सोच सकते थे और उन दिक्कतों का पहले से हल ढूंढा जाना चाहिए था। नोटबंदी आप मान सकते हैं कि आपको झटके से करना जरूरी था, और आप ये तक नहीं पता कर पाए कि एटीएम की मशीनों में इस तरह के नए आकार के नोटों के लिए जगह होगी कि नहीं, वो भी एक बड़ी गलती थी सरकार की। तो इन गलतियों के लिए निश्चित ही वक्त ही सबसे बड़ा निर्णायक होगा, और वक्त माफ नहीं भी करेगा अगर ऐसी गलतियां हुई हैं तो। इसलिए ये माना जा सकता है कि खासतौर पर व्यापारी वर्ग में नोटबंदी और जीएसटी दोनों को लेकर अभी तनाव भी है और विरोध भी है, और ये विरोध भाजपा की सरकार को कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गुरुदासपुर उपचुनाव में भाजपा की बड़ी हार, क्या मोदी और भाजपा की घटती लोकप्रियता का प्रमाण है? ये खतरे की घंटी जरूर है, ये संकेत है कि ये जीएसटी नोटबंदी के अलावा जो भी तमाम बातें हो रही हैं उस दिशा में अगर गुरुदासपुर, क्योंकि देखिए जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो आप ये कह के बच जाते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए थे और इसलिए इसमें केंद्र की सरकार के खिलाफ वोट है, ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे लोकसभा का चुनाव था, विनोद खन्ना के गुजर जाने से सीट खाली हुई थी, और ऐसी सीट जो विनोद खन्ना के जाने के बाद कांग्रेस से हथियाई गई थी और भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती थी, उस सीट पर आप छोटे मोटे 10-15-20-25 हजार के अंतर से नहीं हारे, आप लग 1,93,000, मतलब लगभग 2 लाख वोटों से जब आप हारते हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में, सुनील जाखड़ जो विधानसभा का चुनाव हारे थे कुछ ही समय पहले, वो अगर लोकसभा का चुनाव इतने भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो अगर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जो अभी भाजपा के खेवनहार हैं, भाजपा की सरकार और भाजपा संगठन इन दोनों के बूते पर ही चल रहा है, इन दोनों के लिए संकेत पर्याप्त है, और मुझे लगता है कि इन्होंने ये संकेत निश्चित ही पढ़ लिए होंगे। जयदीप जी, अयोध्या में योगी की दिवाली और ताजमहल पर बयानबाजी, क्या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? मुझे लगता है कि बिल्कुल सोची समझी, जिस तरह के वोट बैंक से बात योगी आदित्यनाथ पहले भी करते आए मुख्यमंत्री बनने, उसी तरह के वोट बैंक से फिर से बात करने की कोशिश है, प्रतीक है, संकेत है, लेकिन न केवल योगी आदित्यनाथ को बल्कि समूची भाजपा सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जो केंद्र में बनी है, विकास और बदलाव के मुद्दे पर बनी है, केवल हिंदुत्व के एजेंडे पर वो नहीं बनी है। हिंदुत्व आपका, और अगर हिंदुत्व का ही एजेंडा अपनाना है तो राम मंदिर, जिसको आपने हाशिए पर धकेल रखा है और जिसको अपने घोषणा पत्र में भी आप अब आखिर में जाकर उसका वर्णन करते हैं, फिर उस पर आ जाइए। तो ये ना तो खुलकर हिंदुत्व है, ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने की और नए प्रतीक गढ़ने की कोशिश है। प्रतीक बहुत सारे गढ़े हैं इस सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिंदुत्व के नाम पर, प्रतीकों से आगे इसलिए जाना होगा कि उनको यह साफ तौर पर समझना होगा कि अगर केवल कट्टर हिंदुत्व भाजपा का खेवनहार होता तो आडवाणी जी के समय में ही इतने बहुमत से भाजपा की सरकार बन गई होती। अगर देश के
बहुसंख्यक लोग उस मुद्दे के पीछे उतनी ताकत है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अपील करता है, जिनको ताजमहल को आक्रमणकारियों द्वारा बनाया जाना बहुत अच्छा लगता है और वो उसको लेकर सोचते हैं कि वाह कोई तो है जो ऐसा कह रहा है, और बहुत से लोग हैं जो अयोध्या में मनाई जा रही दिवाली को बहुत बड़ा मानेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये प्रतीक है, इतिहास इससे बहुत आगे जा चुका है और वर्तमान समय में जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, जो मुद्दे हावी है, उनको अगर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो केवल इन मुद्दों से कुछ वोट बैंक तो उनका बनेगा जो उनका रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप याद कीजिए कि 2014 में जब घोटालों से, भ्रष्टाचार से, अन्ना आंदोलन भी उसकी पृष्ठभूमि में था और एक देश परेशान था और उस देश को नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व नजर आया जो इस सारी व्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है, जो बदलाव करने की ताकत लगता है, जो देश को नई दिशा में ले जा सकता है। इसमें हिंदुत्व का एक वो भूमिका थी, जो एक बना हुआ वोट था वो चला आ रहा था उनके साथ, लेकिन वो वोट लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नहीं बनवा पाया, शाइनिंग इंडिया भी नहीं करवा पाया। ऐसा होता तो रथ यात्रा के तुरंत बाद भी बहुत बड़ी प्रचंड जीत हो जानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी की, जो कि नहीं हुई। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास और हिंदुत्व का सही समन्वय करना सीखा तब उनकी एक भारी बहुमत से जीत हुई है। इस समन्वय को अगर भूल जाएंगे और इस तरह के प्रतीकों के ही पीछे पड़े रहेंगे तो निश्चित ही उसके परिणाम भी उनको भुगतने पड़ेंगे। क्या भाजपा गुजरात चुनाव में खतरा महसूस कर रही है और इसीलिए मोदी बार बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं? प्रधानमंत्री सहित केंद्र के सारे बड़े मंत्री और सरकार की मशीनरी अगर गुजरात के मॉडल का प्रचार करने में जुटे हैं तो पाटीदार और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है हाल ही के राहुल गांधी के दौरे में, विकास के पगला जाने के जो नारे हवा में उछले हैं, उनका असर साफ देखा और पढ़ा जा सकता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के भाषण वहां दिए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 3 सालों में दिए गए भाषण नहीं है, वो 2014 के चुनावी भाषणों की याद दिलाते हैं जिस वक्त नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से कांग्रेस को लेकर एक हमलावर आक्रामक मुद्रा अपनाए हुए थे और उन्होंने राजनीतिक अंदाज में अपने सारे आक्रमण किए थे और उसके बाद उनकी बोली, लहजा सब बदल गए थे प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन हाल के गुजरात दौरे में वही चुनावी लहजा फिर से अगर उनके स्वरों में सुनाई दे रहा है तो निश्चित ही उन्होंने भी गुजरात में खतरे को भांप लिया है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे भाजपा और केंद्र सरकार की बढ़ती आलोचनाओं की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।